जामिया में हिंसा को लेकर बैकफुट पर दिल्ली पुलिस। जामिया के 50 छात्रों की रिहाई हुई है। रिहाई के बाद सुबह 4 बजे खत्म हुआ पीएचक्यू के बाहर प्रदर्शन। तो छात्रों ने पुलिस पर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस बोली, हम सिर्फ पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों को ढूंढने गए थे। सीएए के विरोध में रविवार को दिल्ली और जामिया इलाके में जमकर हिंसा हुई। कल जामिया इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई बसें फूंक दी थी। जामिया इलाके में हिंसा के बाद भारी तनाव देखा गया, जिसके बाद पुलिस बल को तैनात किया गया, हालातों को काबू किया गया। लेकिन अब बैकफुट पर कहीं ना कहीं पुलिस, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, स्थिति खराब हुई, उसके चलते दिल्ली में बंद सभी 15 मेट्रो स्टेशन को भी अब खोल दिया गया है। तो जामिया में हिंसा को लेकर पुलिस बैकफुट पर, सुबह 4 बजे खत्म हुआ पीएचक्यू के बाहर ये प्रदर्शन। तो लगातार जो नाराजगी थी वो पीएचक्यू के बाहर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 4 बजे पीएचक्यू के बाहर चल रहे प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। तो जामिया में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल हैं। तो आपको बता दें कि कुछ छात्रों को इस दौरान हल्की फुल्की चोटें भी आई। तो जामिया बवाल के चलते दिल्ली के 15 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें खोल दिया गया। हम वैंडलिज्म के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स बसें जलाएं और करें, लेकिन पुलिस भी वैंडलिज्म नहीं कर सकती है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बगैर कभी भी पुलिस को नहीं बुला सकती है। वाइस चांसलर की अनुमति उसमें ज़रूरी है। यहाँ वाइस चांसलर ने कहा कि मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। चीफ प्रॉक्टर कहता हमें कोई नहीं पता नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटी का स्टाफ, टीचर्स कहते हैं हम इसको कंडम करते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी है, तो पुलिस कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमे? आम आदमी पार्टी के मुखिया के इशारे पे हुआ है सब कुछ, क्योंकि जब उनका बयान भी आया तो ये आया कि प्रोटेस्ट जारी रखो। उनको ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लगता है। मैंने पूरी आम आदमी पार्टी के विधायक की पूरी जो वीडियो है और ऑडियो उस जो वहाँ प्रदर्शन में विधायक ने बोला है, मैंने पूरा ट्वीट कर दिया है। ये लोग यहाँ हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये लोग मुस्लिम समाज में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति असामान्य हो, और उसकी पूरी कोशिश किया इन्होंने। इनको पता होना चाहिए कि भारत के मुसलमान भारत के और भारत की शांति के साथ हैं। ये सफल नहीं हो पाएंगे इसमें।